यही कहती थी बड़े होके क्या बनना है, किरण बेदी बनना है, बड़े होके क्या बनना है, किरण बेदी. मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहा होगा. और जब बाद में जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म होने को आया, जब 11th 12th में, तो वो जो धारणा थी वो और मजबूत हो गई. जब मैंने देखा मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे मेरे सर ने पूछा कि अंकिता आप सीए के लिए क्यों नहीं फाइल कर रही हो. तो मैंने बोला नो सर, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है. तो तब से मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुझे ये करना है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसकी तैयारी शुरू की. घर में किस तरीके का माहौल था? आप तीन बहनें हैं, हमारे जो आम मिडिल क्लास फैमिली में धारणा होती है, हालांकि अब ये चेंज हो रही है, लेकिन आम धारणा होती है कि बड़े होंगे तो घर के आसपास कोई नौकरी ढूंढ लें, ज़्यादा हुआ तो, या फिर शादी कर दी जाए. तो क्या आपको घर से भी उतना ही सपोर्ट मिला? इस मामले में मैं कहना चाहूँगी कि मैं लकी थी, क्योंकि हम तीन बहनें थी और मुझे प्रॉपर पापा ने और मम्मी ने बिल्कुल एक टॉम बॉय की तरह ही रखा था. क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ बड़ी हुई, तो मेरे खेल कूद सब कुछ वैसे ही हुआ करते थे जैसे लड़कों के होते हैं. तो मैं ऑलमोस्ट 12 तक तो बॉय कट और बिल्कुल लड़कों की तरह ही रहती थी. एक बार की एक स्टोरी भी है, मैं विवेकानंद गार्डन जो है आपका बूढ़ा तालाब वाला, मैं उसमें वॉक कर रही थी सुबह, अपने भाई के साथ गई थी. तो तीन व्यक्ति बैठे थे, मैं दो बार क्रॉस की, वो मुझसे पूछते हैं फिर वापस जाते वक्त कि यार एक बात बता दो तुम लड़का हो या लड़की. तो मैंने ऊपर से तो मैं लड़का लग रही थी, चप्पल मैंने लड़कियों वाली पहनी थी, तो मैंने बस उसे ये कहा चप्पल देख, और फिर मैं वहाँ से चली गई. तो उसी तरीके से मुझे बड़ा किया था, तो हम टॉमबॉय की तरह ही बड़ा किया. स्कूल में भी वही एटमॉस्फेयर था. पर्सनैलिटी क्या है स्कूल में आपकी? शुरू से जैसा आप बता रहे हैं टॉम बॉय वाली रही, क्या दबंग पर्सनैलिटी शुरू से रही? जैसे कि आप अब इस फील्ड में आपको देखने को मिल रहा है या जैसे लोगों से सामना होना पड़ता है, क्या शुरू से उस टाइप की पर्सनैलिटी रही या खाकी वर्दी आने के बाद? नहीं, मैं कहूँगी कि शुरू से ही रही. ऑलमोस्ट मुझे लगता है थोड़ा जीन्स का ही असर होगा. तो घर पे जैसा देखा है वैसा ही है, इसमें कोई बनावट नहीं आई. हाँ ये बात है कि वर्दी आने के बाद आपको एक अलग सा पावर आ जाता है, क्योंकि आपको सच और गलत और कानून तीनों चीज़ों की पहचान हो जाती है, तो आप अपने बात को और मुखाग्रता के साथ रख सकते हैं. बिल्कुल. तीन बहनें आप बता रही हैं, किस तरीके से आपके बाकी बहनों या परवरिश आपकी मम्मी पापा ने आपके की? घर में सिर्फ लड़कियां होती हैं तो एक सोच भी होती है कि नहीं एक आध लड़का चाहिए होता है, क्या इस तरीके के कोई भेदभाव या कोई आपको कभी आपके घर में या रिश्तेदारों के यहाँ कुछ ऐसा सुनना या देखने को मिला? कभी भी ऐसा एक बार भी मुझे याद नहीं है कि कभी भी इस बात के लिए डिफ्रेंशिएट किया गया हो, या मेरे पापा या मम्मी दोनों में से किसी के भी मुँह से ये निकला हो कि कोई बेटा चाहिए. तो उन्होंने मुझे बस यही बोला कि आप बेटे की तरह हो हमारे, और मैं वैसे ही बड़ी होती. क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने. नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी वहा करो जीवन के सुंदर समतल में. खासकर इस जॉब में आने के बाद अच्छे बुरे कई तरह के लोग मिलते होंगे, कैसे उनको डील करती हैं, क्या सोचती हैं आप? आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व, थोड़े कंट्रोवर्सी रखने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं, कैसे डील करती हैं उनको? जैसे मैंने कहा एज़ पर द सिचुएशन ही डील करती हूँ. पर मैं सबसे पहले तो कोशिश करती हूँ कि हंसते खेलते कोई मेरी बात को समझ जाए, और अगर वो नहीं समझता तो मुझे उसको कानून की बारीकियाँ समझानी पड़ती है, और अगर फिर भी नहीं समझता तो फिर समझाना पड़ता है कड़क होके. पहले तो मैं सबसे पहले बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा ऐसा है, और बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं. ज़ीरो टॉलरेंस पे आप चलती हैं, हम देखें, हम यहाँ पर सुन भी रहे हैं, कई लोग बता भी रहे हैं कि सख्त कदम भी उठाने से आप पीछे नहीं हिचकती अगर कुछ कोई कहीं गलत हो रहा होता है. तो क्या पहली पोस्टिंग आपकी थोड़ी हिचक नहीं होती कि नहीं मुझे कुछ कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी या कुछ उल्टा ना पड़ जाए आपके ऊपर? मुझे ऐसा लगता है कि इस यूनिफॉर्म और इस सर्विस को पाने के लिए मैंने अपने जीवन में बहुत से त्याग किए हैं, और कुछ ऐसे त्याग हैं जिन्हें मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती. तो जब वो मुझे त्याग मेरे सामने आते हैं तो मैं किसी चीज़ से नहीं पीछे हटती, क्योंकि बहुत कुछ खोया है इसको पाने के लिए. अब मैं जो पाया है उसको नहीं खो सकती, तो इट इज़ नॉट, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मैं पीछे हट जाऊँ. जो जैसा मुझे पता होता है कि मैं जो भी कर रही हूँ सच को साक्षी मान के कर रही हूँ, और फिर मैं उस पर करती जाती हूँ काम, और
ईश्वर की कृपा से वो सही ही हो जाता। आपको यूथ आइकॉन भी माना जाने लगा है छत्तीसगढ़ में, आपके काम की चर्चाएं सिर्फ ये ज़िले नहीं, ज़िले से बाहर अब प्रदेश भर में भी पहुंचने लगी है, राजधानी में भी लोग देखते हैं, खासकर यूट्यूब में मैंने देखा है कई इंस्पिरेशनल गानों के साथ आपके वीडियो भी उसमें डले हुए हैं। कैसा लगता है अब सक्सेस पाने के बाद, अब इस जॉब में आने के बाद आपके काम की सराहना जब आप होती है? पहले तो जो आप YouTube वाली बात करें, कभी कभी मैं भी देख लेती हूँ अपना नाम सर्च करके कि क्या चल रहा है आजकल। ऑलमोस्ट रोज़ाना तो खैर टाइम नहीं मिलता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि हम ऐसे वीडियोस किसी और के देखते थे, और अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैं भी वैसे ही हूँ क्या जो मैं पहले देखा करती थी। तो खुद में समझ नहीं आता क्योंकि आप अपनी ड्यूटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर हाँ अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि शायद अगर एक या दो व्यक्ति भी मुझसे प्रेरणा ले करके अगर इस मुकाम तक पहुँचे और मेहनत करने से पीछे नहीं हटे तो शायद मैं सफल हो जाऊँगी, मैं एक बीच का काम करूँगी। तरी कविताएँ लिखती हूँ, तो एक कविता थी ना कोई बांध तुझे रोक पाए, उसे मैंने रिसाइट किया था, तो शायद उन्होंने क्या, अगर याद हो आपको तो कुछ दो लाइन। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी अपनी, तो एक दिन मुझे याद है जो मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम लिमिट वाली चीज़ जब आप अपने दिमाग में सोचते हैं और जब आप ये सोचते हैं कि मेरा समय सीमा कम है, मुझे करना है, मेरी फैमिली तो नहीं पीछे हो रही है, उस वक्त की ही बात है, उस दिन की ही बात है जब मैंने ये कविता लिखी थी। तो उसकी चंद पंक्तियाँ तो हैं, जैसे उसकी एक लाइन है मैं आपको सुना देती हूँ। चीर दे हिमालय की चोटी, गंगा की वो धार बन, कर दे खाख राह की आड़ को, तू कर अपनी ज्वाला ऐसी बुलंद, कभी तेज कभी मध्यम कभी हो सरल, चाहे जो हो तेरी रफ्तार बस बढ़ता चल। कविता बड़ी अच्छी है।